मनमोहन साहब पंडित जी का बलिदान दिवस मनाने इस पोलो ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। सभी सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवी और लंबे समय से समाज के बीच में अपना अमूल्य समय देने वाले इस मंच पर मंचासीन है सम्माननीय गुलजार सिंह मरकाम जी, जिन्होंने गोंडवाना की चिराग इस मध्य प्रदेश में जलाया था। ऐसे समाज सेवी को मैं उन्हें सत सत सेवा जय सेवा करता हूँ। मंच पर मंचासीन है, उन्हीं के साथ में कंधे से कंधे मिलाने वाले, साथ में चलने वाले और इस गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करने वाले हमारे साथी रहे पूनम भारवे जी, जो गुलजार सिंह मरकाम जी के साथ में मिलकर लगातार काम कर रहे हैं, और इस छिंदवाड़ा में काम करने वाले झमक सरियाम जी लंबे समय से काम कर रहे हैं, मंगलाताई जी हैं और भी मातृशक्ति पितृशक्ति समाज सेवा है जिन्हें मैं सेवा जोहार करता हूँ, युवा वर्ग को सेवा जोहार करता हूँ। और अभी जो है कोयावंशी नारी शक्ति बहन सुमन लता ध्रुवे जी, उन्हें भी मैं सत सत सेवा जोहार करता हूँ जो लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस छिंदवाड़ा की पावन धारा को एक गोंडवाना का बीज बोने वाला हमारा साथी मनमोहन साहब अट्टी जी को एक सुनियोजित ढंग से हमारे बीच से छीन लिया गया। आप सब लोग जानते हैं जो आप लोगों के बीच में लगातार संघर्ष कर रहे थे। आपको यह भी पता है कि जब गोंडवाना आंदोलन चल चुका था 2003 में तीन विधायक चुन करके आए थे, जिनमें मनमोहन साहब भट्टी जी, राम गुलाम उइके जी और एक दरबु सिंह उइके जो परसवाड़ा बालाघाट से जो सामान्य सीट से जीत कर आए थे। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, आप लोगों का दर्शन पाया हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ। आज साथियों, हम सब लोग मनमोहन साहब भट्टी जी की इस आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पैनवासी दादा मनमोहन साहब भट्टी जहाँ भी रहे, उनका जो सपना है उस सपना को ये छिंदवाड़ा जिले के एक एक युवा एक एक गोंडवाना समाज उसे उसके सपने को साकार करेगा। साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारी लड़ाई केवल छिंदवाड़ा की नहीं थी, हमारी लड़ाई बालाघाट की नहीं थी, हमारी लड़ाई मध्य प्रदेश की नहीं थी, हमारी लड़ाई संपूर्ण भारत की उन जनजातियों के लिए थी जो उन गरीब पिछड़े लोगों के लिए थी, जो पिछड़े हुए थे, जो गरीब थे, किसान थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि साथियों, आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 319 अरब टन जो है भारत के अंदर में कोयला पाया जाता है और उस कोयले में सबसे ज्यादा कोयला छिंदवाड़ा में पाया जाता है। और यह आदिवासी क्षेत्र है जो गोंडवाना की नगरी है, भक्त बुलंद शाह की नगरी थी, राजा चांडवा की जो भूभाग था, इस भूभाग में कोयला इतना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस कोयले का दोहन करके भारत सरकार ने दिल्ली में मेट्रो बनाया, भोपाल में मेट्रो बनाया, नागपुर में मेट्रो बनाया, मुंबई में मेट्रो बनाया, किंतु गोंडवाना क्षेत्र में साथियों आज तक सड़क नसीब नहीं है। और वो सड़क भी है तो मात्र 4 मीटर की 3 मीटर की सड़क है। और इनके लिए बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए आपने देखा होगा 2 लेन का नाम सुना होगा, 4 लेन का नाम सुना होगा, 6 लेन का नाम सुना होगा। आपके छिंदवाड़ा का कोयला को बेच बेच करके अहमदाबाद से मुंबई तक के 6 लेन बना डाले, 6 लेन की सड़क बना डाले, किंतु हमारे छिंदवाड़ा वासियों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आप देखे होंगे, जो देवगढ़ का नाम जो विश्व प्रख्यात है छिंदवाड़ा जिले में है, जब हम देवगढ़ का किला जाते हैं तो कितना सिंगल रोड है, सिंगल रोड है, सिंगल रोड देवगढ़ जाते हैं तो सिंगल रोड मिलता है। और जब इनके अयोध्या जाते हैं तो ये 4 लेन 6 लेन न जाने कितने लेन की सड़क मिलती है। और ये कहाँ का पैसा से बनाया जाता है आपको पता होगा, छिंदवाड़ा के कोयला बेच बेच करके, जो हमारे गोंडवाना क्षेत्र की कोयला बेचते हैं
और वहाँ अयोध्या के नगरी में बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े सड़क बनाते हैं और हमारे राजाओं का कर था वहाँ दो लेन का भी सड़क नसीब नहीं है। तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई गुलजार सिंह मरकाम जी लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई मनमोहन सिंह भट्टी जी लड़ रहे थे जो उन्हें सुनियोजित ढंग से चिरायु हॉस्पिटल में, और ये लोग कांग्रेस और भाजपा के लोग मिल करके उनका हत्या कर दिए साथियों, जो आपके लिए लड़ रहे थे, जो आपके लिए लड़ रहे थे। इसलिए साथियों आपको और बता देना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोग हैं, आपकी संख्या सबसे ज्यादा है। आप चाहो तो जिसको चाहो वो सांसद बनेगा, जिसको चाहो वो विधायक बनेगा, जिसको चाहोगे वो भोपाल जाएगा, जिसको चाहोगे वो दिल्ली जाएगा। ये बात जो है यहाँ के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, ये बात जो है यहाँ का कमलनाथ जानता है, ये बात जो है यहाँ के भाजपा के लोग जानते हैं। इसलिए आप लोगों को लड़ाना, आप लोगों को आपसी में लड़ा रहे हैं, आप लोगों को फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। इसलिए साथियों अब हमने कह दिया है कि आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, भारत के अंदर में जब 2019 में चुनाव होते हैं और 2019 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जनता दल चुनाव लड़ती है, राकापा चुनाव लड़ती है, भारत में ढेर सारी पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, BRS चुनाव लड़ती है, तेजपा चुनाव लड़ती है, किसी के 20 विधायक सांसद बनते हैं, किसी के 30 सांसद बनते हैं, कांग्रेस के 50 सांसद बनते हैं, भाजपा के 300 से अधिक सांसद बनते हैं, ऐसे करके पूरे भारत में सांसद बनते हैं। पर आपको और बता देना चाहूंगा, जो 4 ऐसे सांसद थे जो किसी पार्टी से चुनकर नहीं गए, वो अपनी दमदारी से गए, निर्दलीय चुनकर के गए साथियों, 4 लोग किसी पार्टी से नहीं गए बल्कि अपनी दमदारी से गए। और उन 4 लोगों में से साथियों एक आदमी जो आदिवासी था, भारत भर में सिंगल एक आदिवासी, वो भी अपने दमदारी से लोकसभा में पहुंचा साथियों। और वो आदिवासी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसके लोकसभा क्षेत्र में गए, उस सांसद को हराने के लिए लोकसभा में गए, तो वो आदमी जो है इतना वोट से जीता जितना वोट नरेंद्र मोदी भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी 6 लाख करीब वोट लिया, और वो जो आदमी आदिवासी जो था, वो आदिवासी जो है चुनाव जीता तो 7,76,000 वोट लिया, 7,76,000 वोट लिया, और नरेंद्र मोदी 7 लाख से कम वोट लिया, 6 लाख वोट लिया, अने 7 लाख से कम वोट लिया। जिसको नरेंद्र मोदी हराने के लिए अमित शाह के साथ में उस आदिवासी संसदीय क्षेत्र में गए और कहे कि इस आदमी को हराना है, और वही आदमी भारत के अंदर में जो प्रधानमंत्री ने वोट नहीं दिया उतना वोट लेकर के संसद में गया, और वही आदमी पहली बार संसद में कहा कि कोणी धर्म को मान्यता दो, संसद में चिल्लाया जाती, ऐसा भी एक सांसद है आदिवासी। पर हमको पता नहीं, हमको ऐसे आदमियों को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना। वो सांसद है कोकराझर के नव कुमार सरनिया, जो बोडोलैंड की बात करता था, जैसे अपन गोंडवाना की बात करते हैं, वो असम में बोडोलैंड की बात करता था, और वो 25 साल से जंगल के अंदर में रहा, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेता रहा, हथियार ले लेकर के सरकार को बोला मैं बोडोलैंड की मांग करता हूँ, और वहाँ पूरे जो आदिवासी लोग थे उसके नेतृत्व में काम करना शुरू किए, आखिरी में सरकार झुक गई और कहने लगे कि आप लोग सरेंडर कर दो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तब 2012 में वह आदमी सरेंडर किया और 2014 में निर्दलीय जीता और निर्दलीय जीत करके सांसद बन गया, फिर 2018 में फिर सांसद बना और उसको हराने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह गए थे, तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ऐसे आप भी अगर आप कहते हो कि यहाँ पार्टी होना, गोंगप्पा होना, फलाना होना, ठकाना होना, अरे सब पार्टियों को लात मारो, निर्दलीय जीत के बता दो भाई, इतना संख्या आप ही बन जाओ नव कुमार सरनिया, जैसा वो असम में जीत गया ना वैसे आप ही जीत जाओ, क्या दिक्कत है, कब तक टिकट के पीछे घूमोगे,
टिकट देने वाले ऐसे लोगों को चुनते हैं। कमलनाथ एक बार क्या बोल रहा था, मैं कमलेश शाह को जानता हूँ, मंच में दारू पी लेता है, चढ़ जाता है, फिर भी मेरी मजबूरी है टिकट देता हूँ। अरे कांग्रेस बोलता है कि शराबी आए टिकट ले जाए, भाजपा वाले बोलते हैं भ्रष्टाचारी आए और टिकट ले जाए। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया बताइए, जांच नहीं होती पटवारियों के, कितने भाजपा का जो एक विधायक था ग्वालियर उसको जो कोचिंग कराता था उसी के यहाँ से टापर पैदा हो रहे हैं, उसी के यहाँ से टापर ढूंढना पैदा हो रहे हैं। टापर ढूंढना जानते हो ना, हम गोंडी में कहते थे हमारे गाय और बैलों को जब जंगल में चराने जाते थे तो उनके गले में आवाज करने वाली लकड़ी का जो आवाज करने वाला बना देते हैं उसको हम टापर बोल देते हैं, और जो ढूना होता था वो लोहे का होता था वो ढूना बांध देते हैं। ऐसे ये लोग जो है ये भाजपा वाले इतने करप्टेड हो गए हैं और आपके वोट पाने के लिए ये लोग मुर्गा और दारू भी बांटने लगते हैं।